नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डेट टू है आज यूपीपीसीएस 2019 का मेंस पेपर का। जीएस 1-2 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब हमने प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। पेड ग्रुप में जिन लोगों ने मटेरियल लिया होगा उनको सारी चीजें, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए होंगे। प्लस एक चीज और है, जो हम डेली मॉडल आंसर राइटिंग चलाते हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए, अभी वो डेली नहीं हो पा रहा है, वो 5-6 दिन में होता है। पहले उसको डेली हो जाता था, प्री के बाद से फिर वो चालू हो जाएगा, ठीक है। उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट दिए हैं टेलीग्राम में, कुछ टॉपिक बताए हैं GS 3-4 के लिए, GS 3 के लिए। आप लोग प्लीज एक बार जाते जाते जरूर नजर मार लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात जो है यहाँ पे चालू करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस भैया ये है कि यूपी पीसीएस के पेपर में यूपी के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे हैं। जीएस पेपर 1 उसमें 20 क्वेश्चन आए, 10 शॉर्ट आए, 10 जो है आपके 10 शॉर्ट मतलब 125 वर्ड के, 10 आए आपके 200 वर्ड के। जो 125 वर्ड वाले थे 8 नंबर का था, 200 वर्ड वाले थे आपके 12 नंबर के। अब ये सोचिए कि पूरा 200 नंबर का पेपर है, उसमें यूपी के सिर्फ दो सवाल आए हैं, एक हेरिटेज प्रोजेक्ट वाला और एक इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो बताने के लिए उसके एग्जाम्पल। मतलब 16 नंबर का आया है सिर्फ। दो और क्वेश्चन आए थे यूपी से रिलेटेड, एक रोल ऑफ वुमेन था और एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, वो मतलब कॉमन क्वेश्चन था। अगर आप जीएस जो है अंडरस्टैंडिंग जो है जीएस है आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो आप वो क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सारे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट में लगभग जो फैक्टर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं लगभग, ठीक है। थोड़ा यूपी स्पेसिफिक है लेकिन वो फिर भी वो नहीं माना जाएगा यूपी में। तो पहले वाले पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ, वो भी शॉर्ट वाले, 8 नंबर वाले। मतलब 200 में से 16 नंबर आए हैं सिर्फ पहले वाले में, और दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो 200 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वल्चर कंजर्वेशन जो यूपी का प्रोजेक्ट है। मतलब 400 नंबर का जो यूपी पीसीएस का जीएस 1-2 का मेंस का पेपर हुआ 2019 वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ 24 नंबर का जो स्पेसिफिकली यूपी में पूछा गया है, ठीक है। दो और क्वेश्चन मान लीजिए तब भी मान लीजिए 40 ही हुआ। तो यहां पे जो है ये अगर टोटल मिला के 400 नंबर में से आप समझ रहे हैं 24 क्वेश्चन, ठीक, 24 नंबर, मतलब कि 6% आया है सिर्फ जीएस 1 और 2 मिला के। ये वाली एक चीज विचित्र है थोड़ी सी। एक और अपडेट देना है आपको, स्केलिंग के लिए इलाहाबाद वाले में भी थी रिट और लखनऊ वाले में भी थी। सुन रहे हैं लखनऊ जो वाली अभी पेंडिंग है, इलाहाबाद वाली अभी कैंसिल कर दी गई है, और उसमें आयोग के तरफ से जो भी वकील थे उन्होंने कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं करी है कि क्या स्केलिंग हुई है कि नहीं हुई है। मतलब 2018 में ये बात उठनी लाजमी है बिल्कुल कि स्केलिंग नहीं हुई है या हुई है, अभी तक कोई भी चीजें आयोग की तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं फेसबुक पे, अगर आप देखेंगे फेसबुक पे लगातार जो है लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे स्टूडेंट कह रहे हैं। बाकी योगी जी का भी डिसीजन एक आया है कि बहुत सारी भर्तियां लगातार आने वाली हैं, 3 महीने के अंदर भर्ती आएंगी, 6 महीने के अंदर नियुक्ति आएगी। तो ये अगर हो पाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही साहसिक रहेगा, लेकिन बस ये देखने वाली बात है कि भैया ये हो पाएगा कि नहीं। बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है, ये एक चीज। और वो भी सिर्फ यूपी SSSC के लिए ही बोला गया है, और प्लस लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, UPSI के लिए कोई बात ही नहीं हुई है। स्केलिंग के लिए कोई चीज आयोग जो है साफ बोल रहा है कि मतलब बोल ही नहीं रहा है कुछ, कोई जो है इतने बार आवाज उठाई गई कि UPPCS के जितने एग्जाम्स होते हैं उसके नंबर दिखाए जाएं, RO 2017 के नंबर नहीं दिखाए जाएंगे। RO 2016 में देख लीजिए, RO 2016 में की अगर आप देखेंगे ऑफिशियल की में, हिंदी की जो ऑफिशियल की है उसमें 3-4 सवालों में इतने बड़े बड़े विद्वानों ने, प्रियन पांडे जिनकी आप बुक पढ़ते होंगे हमेशा, नाम जरूर सुना होगा आपका उनका, आप लोगों ने, उन्होंने तक बोला है यहाँ पे कि हिंदी में कई सारी चीजें गलत है। फिर जो है जीएस में भी 3-4 चीजें यहाँ पे गलत हैं। ये हर बार ऐसी क्यों की बनाई जाती है? क्या एक आयोग इतना सक्षम नहीं है कि एक 140 और 60 मतलब 200 क्वेश्चन का एक पेपर हुआ इतने दिनों बाद, क्या उसको ठीक से नहीं बनाया जा सकता था? क्या एक की भी आप नहीं सही से बना सकते थे? मतलब आप जो है आपके पास ऐसे लोग हैं कि जो एक आंसर कुंजी तक नहीं सही से दे सकते हैं। आप एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं कि भैया स्केलिंग हुई कि नहीं हुई, मॉडरेशन आपने किया है अगर 30+ वालों का, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, ये किस बेसिस पे है, ऐसा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आयोग की तरफ से जवाब आ रहा है। योगी जी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं रहा है, और बाकी फिर योगी जी कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ डिसीजन ले रहे हैं। अब बाकी जो भी चीजें हैं आप ही लोग बताइए कि क्या है इसमें। अभी भी सुन रहे हैं कि लखनऊ वाली बेंच में जो
स्केलिंग का मुद्दा है, अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें आप लोगों के लिए अपडेट थी, बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम में देखते रहिए। एक चीज इसमें से और बताना है आपको कि मतलब एक पॉजिटिव चीज इसमें यह है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसका यूपी पीसीएस में होना बहुत आसान हो गया है। ये निगेटिव चीज है यूपी वालों के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि यूपी वालों को सिर्फ यूपी वालों से नहीं लड़ना है, मतलब यूपी में तो वैसे ही कॉम्पिटिशन इतना टफ है, 20-22 करोड़ की आबादी है। उसके अलावा अब जो नॉर्थ इंडिया के बाकी हैं जितने स्टेट जैसे MP, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब, विशेषकर जो है हरियाणा, हरियाणा का नाम फेसबुक में कई बार जो है आ रहा है और कई स्टूडेंट लगातार यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं कि 2018 वाला रिजल्ट बिल्कुल फेयर तरीके से नहीं दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे जो है आयोग को इसमें क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, योगी जी को भी जरूर यहाँ पे संज्ञान में लेना चाहिए ये चीज कि भैया ये क्यों आवाज इतनी सारी उठ रही है। कई सारे लगातार जो है न्यूज में भी, पेपरों में आ रहा है सब चीजें, अगर आप देखेंगे ट्वीट में भी तो कई सारी चीजें लगातार आ रही है। ये है चीजें, ये चल रहा है अभी। अगर भर्तियां बहुत तेजी से अभी आती हैं तो मतलब एक ठीक रहेगी चीज, इम्प्लीमेंटेशन वहां पे की रहेगा। और एक चीज यहाँ पे समझने वाली होगी कि क्या ये सारी भर्तियां जो अभी आएंगी, बहुत सारी भर्ती सुन रहे हैं, मतलब क्या ये सारी भर्तियां एकदम फेयर तरीके से हो पाएंगी, ये एक बहुत यहाँ पे समस्या वाली बात है। कि और मतलब अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन यूपी पीसीएस के जो मुद्दे हैं, स्केलिंग वाला, एज लिमिट वाला, अटेम्प्ट लिमिट वाला, और प्लस जो कोर्ट के पास जाना, मैंने ये भी सुना है, आज मेरे पास कई सारे मैसेज आए कि कोर्ट में वहां पे जो है वकील ने कहा कि जिन लोगों ने रिट लगाई थी कि तुम फेल हो गए, इसलिए रिट लगाई गई है, हर बार जो है तुम चले आते हो जब भी तुम्हारा होता नहीं है। मुद्दा वैसे वाजिब था ये कि भैया आप लोग बताइए क्या ये मतलब स्टूडेंट को ये अधिकार नहीं कि भैया उसमें स्केलिंग हुई कि नहीं हुई ये जानने का, मतलब आप भले ही आप सिलेक्ट हो गए हो या ना सिलेक्ट हुए हो ये मैटर ही नहीं करता है, स्केलिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तो स्केलिंग करनी चाहिए थी। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ चीजें गलत हो रही हैं? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। लगातार अगर कोई भी ऐसी चीज होगी तो हम यहाँ पे अपनी आवाज जरूर उठाएंगे, कम से कम डेमोक्रेसी में ये तो चीजें हमारा आके, ये भी अगर जो है कोई छीनना चाहे फिर तो बहुत गलत बात हो जाएगी।